इस इंसान को इस दुनिया में एक बहुत मुख्तसर वक्त के लिए भेजा है और वो भेजा है इसके ऊपर नवाजिशें करने के लिए, इसको कामयाब करने के लिए, और बहुत बड़ा आली मकसद देकर भेजा है। तो जितनी आताएं और नवाजिशें इस पर करना चाहते हैं उसी के मुताबिक इसको इस्तेदादें और कुव्वतें और सलाहियतें अता फरमाएं, और जो आली मकसद दिया है उसी के लिए इसको इस्तेदादें और कुव्वतें दी। ये दुनिया इसकी कीमत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अगर इतनी भी कोई हैसियत और मर्तबा इसका होता तो किसी काफिर को एक घूंट पानी कभी ना अता करते। तो इस्तेदादें और कुव्वतें जिस पैमाने पर दी हैं वो इसके एतबार से नहीं है, बल्कि वो लामहदूद जिंदगी जो इसके सामने आ रही है उसके हिसाब से। यहाँ मुख्तसर सा इम्तिहान इसके सामने रख दिया, वक्ती जरूरतों को इसने अहमियत दे दी और उन्हीं को सब कुछ समझ कर वो आला इस्तेदादें और कुव्वतें जो अपनी मार्फत के लिए इसको दी थीं दुनिया के ऊपर खर्च कर, खाना पीना एक मकसद बना लिया, रिहाइश एक अपना मकसद, एक सवारी और लिबास शादी ब्याह ये चंद जरूरतों को मकसद का दर्जा देकर ऐसे अपनी सलाहियतों को इसके ऊपर जाया कर रहा है कि जिसका अंदाजा कोई नहीं। हालांकि अगर यहाँ पर आला पैमाने पर भी इसकी ये जरूरतें पूरी हो जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा फायदा इसको जो मुमकिन है वो मौत तक है, मौत के बाद इन चीजों का फायदा बिल्कुल इसको नहीं। अव्वल तो ये भी यकीनी नहीं है, करे सारी मेहनतें मिलेगा वही जो मुकद्दर में है। पूरी सलाहियतें और कुव्वतें इस्तेदादें इस पर खर्च कर दे, एक घूंट और एक दाना बढ़ा नहीं सकता जो इससे मुकद्दर इसके लिखा हुआ है। हाँ, होगा कि इन वक्ती और आर्जी चीजों के ऊपर अपनी वो इस्तेदादें जो अल्लाह ने इसको दिए अपनी मार्फत के लिए, कि सबसे ऊंचा मकसद दिया इसको कि वह मा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून ऐ लियअरिफून, कि अल्लाह की मार्फत इसको नसीब हो जाए, इस पैमाने पर इसको सलाहियतें दी हैं दुनिया की चीज़ों की मार्फत, चाहे सारी चीज़ों की इसकी मार्फत नसीब हो जाए लेकिन अल्लाह की मार्फत से ये मारूम रहा तो बेचारे को कुछ भी हासिल न हो। कि असल जो गरज है कि उस खालिक और मालिक की पहचान इसको नसीब हो जाए जिसने सब कुछ दिया और जो सब कुछ इसको नवाजना चाहते हैं और अता करना चाहते हैं, उसकी पहचान इसको हो गई कि खालिक सिर्फ वही है, किसी चीज का कोई वजूद नहीं था, हर चीज को आदम से जो वजूद बख्शा सिर्फ अल्लाह ने अपनी कुदरत से वजूद बख्शा है, और चीज अपने वजूद होने में अल्लाह की मोहताज, आगे जो इसके अंदर सिफात अल्लाह ने रखी हैं वो भी उसकी कोई जाती नहीं, अल्लाह ने ही उसके अंदर वो सिफात रखी हैं, जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करें, चाहे जो आम आदत के तौर पर इस्तेमाल करने की सिफात रखी हैं उस पर इस्तेमाल करें, चाहे उनको ख़त्म कर दें, चाहे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दें, ये चीज़ें अपने इस्तेमाल होने में भी अल्लाह ही की मोहताज हैं, जैसे पैदा होने में और वजूद में अल्लाह की मोहताज हैं, अपने इस्तेमाल और तासीर में भी अल्लाह की मोहताज है। कोई चीज अपनी जाती तौर पर असर दिखा नहीं सकती जब तक कि अल्लाह का उससे कोई इरादा ना हो। ये जाहिरी तौर पर एक नजर आ रहा है कि इतना बड़ा ये कुर्रा है, सूरज है, ये रोशनी पहुंचा रहा है, इस रोशनी पहुंचाने में ये अल्लाह के अमर का मोहताज है, अल्लाह ने इसके अंदर रोशनी रखी है, वो चाहेंगे तो इससे रोशनी होगी, अगर वो चाहें इसको अंधेरा फैलने का जरिया बना दें, इस रोशनी पहुंचाने में इसके मोहताज नहीं, अगर चाहें तो एक कंकरी के अंदर वो पूरी रोशनी रख दें जो इतने बड़े कुर्रा के अंदर रखी हुई। तो मोहतरम दोस्तों, उधर को हर चीज का यही हाल, ये मार्फत इंसान को नसीब हो जाए,
कि चीजों से मुतासिर हो के न चले, हर चीज का तासुर अपने अंदर से खत्म करके सिर्फ अल्लाह की ज़ात आली का तासुर इसको सामने रख के जिंदगी गुजारना। अल्लाह पाक ने इतनी ये अहम चीज है कि इसी के मुताबिक आलम अरवा ने भी इससे पूछ लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, सब ने जवाब दिया बला कि क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। और जब पैदा किया तो पैदा भी इसी फितरत पर पैदा किया ताकि जो मकसद इसके सामने है उसके खिलाफ ये इस्तेमाल न हो कि कुल मौलूद युलद अला अलफितरा फअबवाहु युहव्विदानिहि औ युनस्सिरानिहि औ युमज्जिसानिहि औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर बच्चे के अंदर अल्लाह ने यह फितरत रखी है, उसके अंदर ये इस्तेदाद और कुव्वत रखी है कि वह हक को कबूल कर ले जब उसके सामने हक आए। हक के कबूल करने की इस्तेदाद अल्लाह ने पहले से ही रख दी है कि वह हक अल्लाह की मार्फत इसको नसीब हो जाए, इस्तेदादें पहले से इसके अंदर ये रखी हुई है। आगे जो जो शुऊर इसका बढ़ता है तो फिर वहां पर भी यही चीजें इसकी कि अपने शुऊर को अगर सही इस्तेमाल करे तो वो शुऊर भी अपनी मार्फत जो अल्लाह ने इसके लिए मुकद्दर की है उसी के लिए वो शुऊर भी इसकी मदद करता है। अगर अपने इस शुऊर और समझ को भी माते हर गया है कि अज़मीर रोयत वहदहु ला शरीक लह गोया, कि जो घास भी जमीन से उग रहा है वो इस बात की दावत दे रहा है कि खालिक और मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। तो मकसद इसका किसी मौके पर भी इससे जरा सी भी तवज्जो करे तो अल्लाह पाक जो मेहरबान हैं, जो चाहते हैं इसको नवाजना और जो इसको कामयाबियां अता करना चाहते हैं और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले इससे वो अल्लाह है। माँ की मोहब्बत की एक मिसाल दी जाती है लेकिन माँ से भी ज्यादा मोहब्बत कि माँ खुद जागती है और बच्चे को सुलाती है, खुद भूखा रहती है और उसको खिलाती है, खुद प्यास बर्दाश्त कर लेती है और उसको हर किस्म की तकलीफ इस बच्चे के लिए गवारा करती है। ये उसकी एक मोहब्बत की अदना सी मिसाल। अल्लाह पाक की मोहब्बत जो इसके साथ है माओ से कई गुना ज्यादा है, वो इसको आला पैमाने पर कामयाब करना चाहते हैं। इसलिए फरमाया वला यर्ज़ा लिबादिल कुफ्र वेम तशकुरु यर्ज़ौ लौकुम, वला यर्ज़ा लिबादिल कुफ्र, अगर तुम उसका शुक्र करो तो वो तुमसे राजी होगा और तुमसे खुश होगा, ना शुक्री और कुफर पर वो राजी नहीं होते। वो सारे रास्ते वादे करके इसके लिए बयान कर दिए, हर चीज खोल के रख दी। अगर अपनी इस्तेदाद और सलाहियत को सही इस्तेमाल करता है और फिर मजीद फजल फरमाया कि इंसानों में से वो मुहसिन तरीन इंसान अम्बिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया, एक दो नहीं कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमा कर इसकी राबरी फरमाई कि किसी मौके पर कहीं अपना नुकसान न कर ले। और वो कामिल तरीन शख्सियतें हर एतबार से, जाहिरी एतबार से भी बातनी एतबार से भी अम्बिया अलैहिस्सलाम कामिल है। अल्लाह की ज़ात आली का यकीन, अल्लाह की ज़ात आली पर एतमाद, सब्र शुक्र, एहसान, जूद व सहावत, शजाअत, हर एतबार से वो कामिल और ज़ाहिरी शक्ल के एतबार से भी। एक हदीस पाक का मफहूम है कि हर नबी खूबसूरत और खूब आवाज होते हैं, ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में भी अल्लाह पाक कोई उनकी कमी नहीं रखते, हर एतबार से कामिल, अकल के एतबार से सबसे आला, वो मुस्तकिल रहनुमाई इसकी फरमाते हैं और रहनुमाई भी उनकी पूरी खैरख्वाही के जज्बे के साथ, सिर्फ एक ये नहीं कि पहुंचा दी बात बल्कि उनकी मशक्क़तों को, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी अजियतों को बर्दाश्त कर करके पूरी खैरख्वाही उनके सामने रखते हैं। जैसे माँ देख रही है कि अगर कोई बच्चा आग के अंदर अपने आप को डाल रहा है तो अपनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेगी लेकिन उसको आग में गिरने नहीं देती। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मफहूम ये कि मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की सी है कि जिसने आग जला रखी हो और परवाने उसके ऊपर गिर रहे हों और वो उन परवानों को आग से दूर कर रहा हो,
ऐसे तुम भी आग के ऊपर गिरते जा रहे हो और मैं कमर के पीछे से पकड़ पकड़ के तुम्हें बचा रहा हूं और खींच रहा हूं और मेरे हाथों से निकल रहे हो, पूरे खैरख्वाही के जज्बे के साथ। हजरत अब्दुल्लाह ने शकीर रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं, रायतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफी सदरी अजीज कअजीज المرجل من البكاء, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपके मुबारक सीने से रोने की वजह से ऐसी आवाज आ रही कि जैसे हंडिया उबलने की आवाज होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनु ने अर्ज किया, शिब्त, आप बूढ़े हो गए। फरमाने लगे, शय्यबतनी हूदुन वल्वाकियतु अम्म यतसाअलून वइद الشمس كبرت, इन चार सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, सूरा हूद, सूरा वाकिया, सूरा अम्म यतसाअलून और सूरा इद الشمس كبرت, इनमें बास सूरतों में क़यामत के हालात, जन्नत दोजख के मनाजिर, वहां वालों के हालात, सूरा हूद में अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकियात जिनको अल्लाह पाक ने अपने कौमों की तरफ दाई बनाकर भेजा था, आगे कौमों ने क्या रवैया इख्तियार किया, मानने वाले कैसे कामयाब हुए और जो आगे से परेशान करने वाले थे कैसे अल्लाह ने दुनिया में भी उनको तबाह बर्बाद किया और आखिरत की भी तबाही उनकी मुकद्दर है। और फरमाते हैं सूरह हूद में ये भी, फस्तकीम कमा उमिरत वमन ताब माअक, कि आप बिल्कुल मुस्तकीम रहें, सीधे रहें जैसे आपको हुक्म किया गया, वमन ताब माअक, उन्होंने आपके साथ तौबा की है वो भी मुस्तकीम रहें। इस्तिकामत क्या, अकायद में, इबादात में, अखलाक में, मुआमलात में, मुआशरात, हर चीज के अंदर पूरा बिल्कुल मुस्तकीम सीधा होके रहना, जरा भी कोई दाएं बाएं झुकाव ना हो। इसलिए बात का कौल है कि ये इस्तिकामत हजार करामतों से भी बेहतर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते आयत कि बिल्कुल मुस्तकीम होकर रहे तो आप तो अल्लाह के फजल व करम से मासूम हैं, हर किस्म के गुनाह से नबी मासूम होते हैं, आप मासूम हस्तियों के सरदार हैं, आप तो पूरे मुस्तकीम रहे। आपको जो फिक्र था वमन ताब माक, कि जिन्होंने आपके साथ तोबा की है वो भी पूरे इन हर चीज के अंदर मुस्तकीम रहे, तो ये अमर इस चीज की वजह से इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दो हदीसें आपकी ये कैफियत इनकी वजह से, एक तो इसकी ये वजह है कि आपको अल्लाह की इंतहाई मार्फत नसीब थी और दूसरा आपके अंदर उम्मत की खैरख्वाही, उम्मत के बारे में जो आपको गम लगा हुआ था उसकी वजह से आपकी ये कैफियत थी कि सीने मुबारक से भी ऐसी आवाज आ रही है और बुढ़ापा भी आपके ऊपर तारी हो गया उम्मत के गम की वजह से। तो मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पूरी खैरख्वाही के जज्बे के साथ कि ये इंसान अपने मकसद से गाफिल ना हो जाए, इस्तेदादें और कुव्वतें जो इसको मिली हैं, हर इस्तेदाद और कुव्वत एक एतबार से अल्लाह के पास से इसकी नेमत है और दूसरे एतबार से अल्लाह की तरफ से इसके पास अमानत है। नेमतें भी ज्यादा, अमानतें भी इसके पास ज्यादा, जितनी नेमतें इस पर की गई हैं और किसी मखलूक को इतनी इस्तेदादें और कुव्वतें और नेमतें नहीं मिली, हत्ता कि इसके अंदर खिलाफत का जौहर भी रखा है, अल्लाह का खलीफा बनने की इस्तेदाद भी इसको अल्लाह ने नसीब फरमाई और किसी मखलूक को ये इस्तेदाद और कुव्वत नहीं दी। तो जो जो नेमत है मुस्तकिल अमानत है, नेमत होने के एतबार से उसका शुक्र वाजिब, अमानत होने के एतबार से उसका जो हक है वो हक अदा करना इसके जिम्मा वाजिब। इसलिए जितना मामला इसका हसास और नाजुक है और किसी मखलूक का मामला इतना हसास और नाजुक नहीं, कि नेमतें भी हर आन हर घड़ी इतनी ज्यादा, ज्यादा जिम्मेदारियां भी इसके ऊपर, और ये नेमतें जैसे अर्ज किया एक खास मकसद के लिए अल्लाह ने अता फरमाई है, अल्लाह की मार्फत इसको नसीब हो जाए, सारी इस्तेदादें और कुव्वतें अपनी इसके ऊपर ये खर्च करें। इसलिए कि जिसकी अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी कीमत नहीं, अगर अपनी इस्तेदादों और कुव्वतों और सलाहियतों को उसके ऊपर खर्च कर दिया तो इसने भी अपनी कीमत घटा दी और खत्म कर दिया, ये भी बेकीमत हो गया।
बल्कि सिर्फ यही नहीं है कि इसने जाया किया, बल्कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, अपना ही नुकसान किया। कि जिस गरज के लिए वो नेमतें दी हैं उसमें इस्तेमाल नहीं हो रही, चाहे सारी दुनिया का मालिक बन गया, ये हलाकत और खसारे में है कि मुख्तसर सी चीजों को सामने रखकर जिंदगी गुजार दी। एक हदीस पाक का मफहूम है कि युक्ता बिअन्न मिन अहलि दुनिया मिन अहलि नार यौम अल क़ियामा फयुसबग़ु फिल नार सबगतन थुम्मा युक़ालु या बिन आदम हल रअयता खैरन क़त्त हल मर्र बिक नईम क़त्त फयक़ूल ला वल्लाहि या रब। कि वो आदमी जिसको दुनिया की सबसे ज्यादा नेमतें दी गई, अन्न में अहल दुनिया सबसे ज्यादा नेमतें हुई उस पर अल्लाह की तरफ से, लेकिन होगा वो जहन्नम वालों में से, तो उसके बारे में कहा जाएगा इसको एक जहन्नम का गोता दे दो। तो फिर पूछा जाएगा इब्न आदम हल रअयता खैरन क़त्त, कभी कोई खैर देखी है? हल मर्र बिक नईमुन क़त्त, कभी कोई नेमत तेरे पास से गुजरी है? हालांकि नेमतों के अंदर डूबा हुआ है, नेमतें ही नेमतें, यहां तो यह पूछा जा रहा है कभी देखी भी है, कभी पास से गुजरी भी है कोई नेमत तेरे पास से? तो नेमत का पास से गुजर जाना, नेमत का देख लेना भी नेमत है। और नेमतें चे जाए कि उसके ऊपर हर आन हर घड़ी हो, तो कसम खा के गएगा ला वल्लाह यार। और इसके बिलमुकाबिल दूसरा आदमी وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ। कि वो आदमी जो दुनिया में बहुत सख्तियों के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन होगा जन्नत वालों में से, उसके बारे में हुक्म होगा कि इसको जन्नत का गोता दिया जाए। फिर पूछा जाएगा इब्ने आदम कभी तूने कोई सख्ती देखी है? कभी कोई शिद्दत तेरे पास से गुजरी है? वो भी जवाब देगा फयकूल ला वल्लाहि या रब, के मेरे रब कसम आपकी। आगे मजीद वजाहत भी करेगा कि मा मर्र बी बुक्सुन कत्तु वला रअयतु शिद्दतन कत्तु औ कमा काल सुब्ह, के खामोश हो जाएगा वल्लाहि या रब। लेकिन ये मजीद भी अब खुशी और नेमत में अल्लाह के साथ हम कलामी का शरफ मिल रहा है, तो इसका दिल करेगा मजीद बात को लंबा करने कि ना कभी कोई सख्ती देखी है और ना कोई शिद्दत मेरे पास से गुजरी है, हालांकि दुनिया की जिंदगी वो सारी सख्तियों के अंदर है। इसलिए कहते हैं मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, वो सख्ती और वो परेशानी जिसके बाद जन्नत है वो कोई सख्ती और परेशानी नहीं है, और वो नेमत और वो खुशियां कि जिसके बाद जहन्नम में वो कोई खुशी और नेमत नहीं है। तो ये एक मुख्तसर सी जिंदगी, इसको अपने मकसद को जब भूल कर जिंदगी गुजारी तो सारी नेमतें इसके सामने बेकार। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 10 आदमी हम आए, मैं उनमें से भी एक था। एक अंसारी खड़े होकर पूछे या नबी अल्लाह मन अकयसुन नास व अहजमुन नास, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा मोहतात आदमी कौन है? आज अपने अपने मेयार पर समझदारी, हर आदमी ने अपने माहौल से एक मेयार मुकर्रर कर लिया है, समझदारी इसको कह रहे हैं जिसको ज्यादा फानी चीजें जमा करने के तरीके आ जाए, जितना फानी चीजों को जमा कर लिया है उसको समझ रहे हैं बड़ा समझदार। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सोहबत से इस्तिफादा करने के लिए अल्लाह पाक ने हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे जो उम्दा और चुनी हुई जमात है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिफादा के लिए उनको चुना, उनको इसी एतबार से अल्लाह ने समझ दिए। उनके सवालात भी इंतहाई समझ वाले के सहाबा भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ से पूरा फायदा उठाकर पूरी उम्मत तक, क्यामत तक आने वाली इंसानियत तक राबरी करने के लिए अल्लाह ने उनको चुना है, इस्तेदादें भी उनको वैसी दी हैं। इसलिए उनके सवालात, उनकी जिंदगी मुस्तकिल राहबरी राबरी। तो वो जो पूछ रहे हैं कि समझदार कौन है,
अब पूछ भी किन से रहे जो सारे नबियों के सरदार और पूरी इंसानियत में से सबसे ज्यादा समझदार है, और जिनको अल्लाह पाक ने वो समझ अता की और किसी मखलूक को अता ही नहीं की, वहां पहुंच नहीं सकते। आपने फरमाया जिसका मफहूम ये, अक्सर हम जिक्रन लिल मौत, अक्सर हम इस्तेदादन लिल मौत, उलाइक अल अकियास ज़हबू बिशरफि दुनिया व करामति आखिरा। जो सबसे ज्यादा मौत को याद करते हैं, सबसे ज्यादा मौत की तैयारी में लगे हुए हैं, फरमाया ये है समझदार, दुनिया आखिरत की शराफतें और करामतें और इज्जतों को ले जाने वाले ये लोग। आखिरत को सामने रख कर अपनी इस्तेदादों और कुव्वतों और सलाहियतों को खर्च करना, अल्लाह की पहचान और अल्लाह की मार्फत तो इसके लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है, उनके लिए अपनी इस्तेदादों और कुव्वतों को खर्च करना, ये आदमी की समझदारी। हाँ, यही तो एक बहुत बड़ा फर्क, किसको तरजीह दी जा रही है, फानी को तरजीह दी जा रही है या बाकी को। पूछा जाए तो हर आदमी यही कहेगा कि बाकी को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन अमलन हमारी जिंदगी बता रही है कि हम फानी को तरजीह दे रहे हैं बाकी को छोड़। माहिंद कुम यन फतु माहिंद कि जो कुछ है तुम्हारे पास वो सब कुछ खत्म होने वाला है, जो अल्लाह के यहाँ है वो बाकी रहने वाला है। अल्लाह ने आखिरत की नियमतें किसको अता करने के लिए बनाई, वैसे अल्लाह पाक को उनकी जरा बराबर भी कोई जरूरत नहीं है, किसी एक के भी वो मोहताज नहीं है, इसको अता करना चाहते हैं और उसी के इस्तेदाद एतबार से इस्तेदाद भी इसको दी है। अब ये चाहता है कि इस मुख्तसर सी जिंदगी में वो कामयाबियां इसको मिल जाए, क्योंकि असल तो ये जन्नत का बाशिंदा है, वहां से आया है, अंदर इसकी तमन्नाएं वो रखी हुई, और वो चाहता है इस मुख्तसर जगह पर छोटे बर्तन में यहां पर वो कामयाबियां मिल जाएं, तो उसमें तो फिर टकराव ही टकराव। अगर सारी दुनिया भी एक आदमी को दे दी जाए, उसकी भी ये चाहत को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए कि जगह ही छोटी है। इसके अंदर जो चाहतों का समुंदर अल्लाह ने रखा है वो यहां पूरा हो ही नहीं सकता, वो यहां पूरा करने की कोशिश करेगा तो परेशान होगा, वक्त जाया करेगा और परेशानियां इसकी बढ़ती रहेंगी। वो चाहते पूरा होने के लिए अल्लाह ने जन्नत को कि फला तअलमु नफ्सु मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, के कोई जी जानता नहीं, न कोई फरिश्ता जानता है, न और कोई नबी जानते हैं, कोई जी नहीं जानता, अल्लाह ने आंखों की ठंडक का क्या सामान तैयार कर रखा है वो इसके लिए वहां पर है। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, इसकी अब समझदारी क्या है कि दुनिया के रुख वहां से अपना रुख फेर कर आखिरत की तरफ रुख करना, इस बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे इकराम को उठाया, जहां भी आए कि हमें क्या मिलेगा, हम ये कुर्बानियां पेश करेंगे, अंसार ने अर्ज किया अपने खिलाफ दुश्मनी को मूल लेंगे, हमें क्या मिलेगा, आया कोई जायदादें, कोई हुक्मरानियां, कोई ओहदे और मनसब हमें मिलेंगे, तो जन्नत आखिरत की बुनियाद, बेहतरीन और मजबूत बुनियाद, पायदार बुनियाद, जिस पर इंसान अपनी सलाहियतें खर्च करे, जिसके लिए पैदा किया गया है, वो आखिरत है जन्नत। इसको सामने रखकर अल्लाह ने इसको वो इस्तेदादें और कुव्वतें और सलाहियतें दी। अल्लाह की जितनी ज्यादा मार्फत होगी, जितना अल्लाह की पहचान होगी कि खालिक वही है, मालिक भी वही है, तसर्रुफ भी उसी का चलता है और किसी का तसर्रुफ नहीं चलता, जिसने बनाया मिल्कियत उसी की है और कोई मालिक हो नहीं सकता, जिसने बनाया उसी की है। ये कहे कि ये चीज मेरी अपनी है, ये हाथ पांव आजाओ जवारे मेरे ही, कहां से लेकर आए, अल्लाह ने दिए हैं अमानत चंद दिन के लिए इसके पास। इन समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइक कान अनहु मसूल, कि ये आंख कान और दिल इसके पास अमानत है चंद दिन के लिए, जिसने दिए हैं उसने इस्तेमाल करने के तरीके बताए हैं, हर एक के बारे में मुस्तकिल पूछ होगी कि नेमतों में क्या कारगुजारी रही, कैसे इनको इस्तेमाल किया, तो मिल्कियत भी सिर्फ उसी खालिक और मालिक की और तसर्रुफ भी उसी का चलता है और पालने वाली जात वही है, खुशियां अता करने वाले वही, गमों से नजात देने वाली जात वही है,
इसलिए कहते हैं हर हाल में रुजू आदमी का उसकी तरफ हो। जितनी दिल के अंदर ये बात पैदा होगी, इसकी दिन रात की मेहनत, दिन रात की दौड़ धूप और हर कोशिश उस अल्लाह को राजी करने के लिए होगी, जिसके बारे में अंदर यकीन है कि सारी कुव्वत और ताकतों के मालिक सिर्फ एक हुई है। और वो फिर राजी कैसे होते हैं, किन तरीकों से वो खुश होते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी जितनी इसकी जिंदगी के अंदर होगी, इतना ये अल्लाह का महबूब बनेगा, इतना अल्लाह पाक इसको नवाजेंगे, इसके गुनाहों को माफ फरमाएंगे। फरमाया कि ये दावा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम, दावा करते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तब इसकी क्या है पहचान? फत्तबिउनी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया इनको बता दो मेरी इत्तिबा करें, युहबिबकुम अल्लाह, अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत करने लग गए। अल्लाह की मोहब्बत खुद न से एक तो ये दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, एक अल्लाह पाक फरमाए कि मैं इससे मोहब्बत करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी ऐसी अल्लाह को महबूब है कि जो भी उसको इख्तियार कर लेता अल्लाह का वो महबूब बन जाता। हर अदा आपकी, कोई भी अमल है आपका, जितना उसको इख्तियार करता जाएगा अल्लाह की मोहब्बत इसको नसीब होती जाएगी और अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ करते जाएंगे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत में सबसे बड़े मोहसिन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े खैरख्वाह, जैसे अर्ज किया कि उस खैरख्वाही की वजह से हर आज कर रहे हैं, जरा बराबर इस खैरख्वाही में कमी नहीं कर रहे। माँ बाप इतना खैरख्वाह और इतने खैरख्वाह नहीं है जितने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के खैरख्वाह हैं। हत्ता के छोटी छोटी बातों की भी, वैसे तो आपकी कोई बात छोटी नहीं, लेकिन निस्बत के एतबार से आपस में आप हर बात की रहनुमाई फरमा रहे हैं। ये भी आप फरमा रहे हैं सोने लगो दरवाजों को बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर दो, अब मुस्तकिल रहनुमाई फरमा रहे हैं कि शैतान एक बातिल ताकत पूरा जोर लगाकर उस दरवाजे को खोल नहीं सकता जिसको बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया गया। और फरमा रहे हैं जब सूरज गुरूब हो जाए बच्चों को बाहर न छोड़ो, उस वक्त शयातीन जिन्नात जो उचक लेते हैं। अब मुस्तकिल जैसे बच्चों के बारे में वालदेन को फिक्र है कि इस वक्त इनका नुकसान है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वालदेन से भी ज्यादा खैरख्वाह है बच्चों के। मुस्तकिल रहनुमाई फरमा रहे हैं कि बर्तनों को वैसे ही नंगा न छोड़ दो, रात को बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके ऊपर किसी चीज को डांप दो, किसी चीज से और कोई चीज नहीं मिलती तो लकड़ी ही रख दो, इसलिए कि साल में एक रात होती है जिसमें वबाएं मुसीबतें उतरती हैं, बीमारियां नाजिल होती हैं, बर्तन खुला होगा तो उसके अंदर होगी और बीमारियां फैलेंगी। मुस्तकिल खैरख्वाही और राबरी, कोई चीज आपने नहीं छोड़ी खैरख्वाही वाली, जो भी इस इंसान के लिए खैरख्वाही की चीज थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी से भी उसको बताया, अपने इरशादात से भी उसको बताया, तो सबसे बड़े खैरख्वाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह पाक ने इस मुख्तसर सी जिंदगी में ये मौका दिया और कुव्वत और इस्तेदाद दी अपनी इस्तेदादों और सलाहियतों को अपने दिल के रुख के ठीक करने और जिस्म से निकलने वाले आमाल को ये ठीक कर ले दुनिया के अंदर भी इत्मीनान चैन और सुकून की जिंदगी। आज हर एक की कोशिश इसी के लिए, लेकिन अल्लाह ने ये रखा कहाँ पर है? दीन के अंदर रखा है। आज जो कोशिशें की जा रही हैं इसी के लिए ही हो रही हैं, लेकिन क्या है? जैसे फरमाते हैं कि न जानना भी जहालत और गलत जानना भी जहालत, नहीं जानता वो एक दर्जे का जाहिल है, जो गलत जान रहा वो दोहरा जाहिल है। कामयाबियां और इत्मीनान और चैन और सुकून अल्लाह ने दीन में रखा है, इसको दीन के अलावा और चीजों में समझ लेना ये गलत जानना, तो ये दोहरी जहालत है। दोहरी जहालत, एक को तो पता कोई नहीं कि ये क्या चीज है, वो भी उस चीज का जाहिल है, दूसरा कह रहा है मैं जानता हूं लेकिन गलत बता रहा है, तो न जानने में तो वो भी बराबर है और आगे गलत बता रहा है उससे एक दर्जे और आगे बढ़ाऊंगा। तो आज सारी इंसानियत इस जहालत में है। कामयाबी जहां अल्लाह ने रखी, इज्जत जहां पर अल्लाह ने रखी, उल्फतें और मोहब्बतें जहां पर रखी हैं,
वहां पर तलाश नहीं कर रहे, समझ रहे दूसरी चीजों के अंदर है, उसके ऊपर अपनी सारी सलाहियतें लगा रहे हैं, तो इंसानियत एक बहुत बड़े धोखे में पड़ी। वो इस्तेदादें और कुव्वतें जिस पैमाने पर दी गई उसी को खर्च कर रहा है एक धोखे के ऊपर। धोखा क्या है? धोखा यह है कि नजर कुछ आ रहा है, नतीजा कुछ और निकल रहा है। समझ रहा है यहां पर कामयाबी है, नतीजा कुछ और निकल रहा है। धोखा आज कि असबाब राहत का नाम राहत रख दिया, चीजों से इज्जत की नजर आ रही है तो उन चीजों को इज्जत का समझ लिया कि इससे इज्जत मिलती है, हालांकि राहत और चीज है, असबाब राहत और चीज है। असबाब राहत को तो ये इख्तियार कर सकता है, राहत और इत्मीनान चैन सुकून अल्लाह के खजानों से आए। चाहे लाखों का यह बिस्तर खरीद ले, अगर इसके मुकद्दर में नींद और आराम नहीं है, उस बिस्तर से इसको रात आराम मिल नहीं सकता, वो तो अल्लाह की तरफ से आएगा। तो मकसूद तो वह राहत है, मकसूद कोई दवाइयां ये चीज नहीं, मकसूद तो सेहत है। चीजों का मिल जाना यह कोई मकसूद का हासिल हो जाना नहीं। आज सारी कोशिश और दौड़ धूप इसी के अंदर, ये समझ रहा है कि इस ओहदे के अंदर इज्जत है, इस सवारी के अंदर इज्जत है, इस मकान और जायदाद के अंदर इज्जत है। कल वो चीजें छिन गई, अब कोई पूछता भी नहीं। तो उन्हीं के ऊपर अपनी सलाहियतें कि समझ कुछ रहा था, नतीजा कुछ और निकल। अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊज़ फरमाया कि इस धोखे से इंसानियत को निकाले, कि बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा खतरा है, और ये हर एक के ऊपर मौत के वक्त खुल जाता है। मौत से पहले पहले तो हर आदमी अपने बारे में दावा कर रहा होता है कि मैं कामयाब जा रहा हूं, कोई भी नाकामी के लिए मेहनत नहीं कर रहा। जरा से भी अकल जिसको अल्लाह ने दे रखी है वो अपनी सलाहियतें कामयाबी के लिए लगा रहा है। किसी से पूछें, भाई दिन रात थक रहे हो, पढ़ पढ़ा रहे हो, अपने जिस्म को थका रहे हो, सफर पे सफर कर रहे हो, घर वालों की जुदाइयां बर्दाश्त कर रहे हो, किस काम के लिए? कामयाब होने के लिए। नाकामी के लिए कोई मेहनतें नहीं कर रहे, कामयाबी के लिए मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन आया हर मेहनत करने वाला कामयाब है? अपनी सलाहियतों और इस्तेदादों और कुव्वतों को जिस मकसद के लिए दिया वहां अगर खर्च नहीं कर रहे तो चाहे अपने दावों के एतबार से कितना ही अपने आप को कामयाब समझ ले, हकीकत मौत के वक्त सबके ऊपर खुल जाती है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कौमों के किस्से बयान किए, अशखास के किस्से बयान किए, अपनी कसरत पर दावे करने वाले, जिस्मानी कुव्वतों पर दावे करने वाले और इसी पर दावे करने वाले, अपनी तिजारत और मंडियों पर दावे करने वाले, अपनी बादशाही पर दावे करने वाले, हकीकत दुनिया में ही अल्लाह ने उनके ऊपर छोड़ी। फिरौन भी अपनी मेहनत में अपने आप को कामयाब समझ और आगे अमन खैरुम मिन हादर लदी हो महीन वला यकाद युबीन فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنًا। आयत है और हिदायत की किताब है, और अल्लाह पाक ने इस उम्मत के सामने पहली कौमों और अफराद के ये हालात बयान किए ताकि ये उम्मत जिस तबके में, जिस लाइन पर, जिस शोबे में जो भी मेहनत कर रहा है वो अपने आप को देखे, कहीं कसरत में तो नहीं फंसा हुआ उसके जोम में, कहीं अपनी सनत और इरफत और तजारत के जोम में तो नहीं डूबा हुआ, और कहीं अपनी जाती शख्सी औहदों और इन चीजों के ऊपर तो फख्र नहीं कर रहा। सबके किस्से बयान कर दिए, इसकी मुस्तकिल रहनुमाई हो जाए। इस उम्मत की खैरख्वाही अल्लाह ने इसमें की और उनके हालात पहलों के रखे, और अल्लाह ने इस उम्मत पर पर्दा डाला, इनके हालात बाद वालों पर नहीं रखे। ये कैसे करेंगे? अल्लाह ने इसकी रहनुमाई के लिए पहलों के हालात तो बयान करिए ताकि ये उनसे सबक हासिल कर ले और अपने ईमान और यकीन और आमाल को यह ठीक कर ले। दुनिया की जिंदगी भी इसकी आला पैमाने पर बनाएंगे, आखरत की जिंदगी भी, हकीकतें इसको नसीब होंगी। कामयाबियां अल्लाह ने दीन में रखी हैं, जाहिरी दुनिया जिसको हम मुकद्दम समझते हैं अमली तौर पर उसका बनना भी अल्लाह ने दीन के अंदर रखा है। दुनिया की हकीकत, दुनिया की हकीकी लज्जत वो भी इस दीन वालों को नसीब होगी, दूसरों को नसीब हो ही नहीं सकती। हकीकी इज्जत
وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین, حسر کے ساتھ فیصلہ فرما دیا صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے, اور باقی کسی کے لیے عزت ہے ہی نہیں. ایک دھوکہ ہے, جیسے عرض کیا چیزوں کا نام عزت رکھ دیا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے طواف کرنے کے لیے تشریف لائے, اس وقت جو خلیفہ زادہ تھا وہ بھی آیا ہوا تھا, اب ظاہری حکومت ان کے پاس, اس کے ساتھ آدمی تاکہ یہ طواف کر لے خلیفہ زادہ, کوئی حجر اسود کا بوسے کا موقع مل جائے, لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں. جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, آئے, حجر اسود کا بوسہ دیا, طواف شروع کر دیا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے پوچھنے لگے یہ کون ہے, وہ جانتا تھا لیکن حسد کی وجہ سے کہنے لگا مجھے پتہ نہیں کون ہے. اس وقت ایک شاعر, اس نے کہا تو نہیں جانتا ان کو, یہ کون شخص ہے, کون سی ہستی ہے, یہ تو وہ ہیں جن کو عرب جانتے ہیں, جن کو عجب جانتے ہیں, جن کو بیت اللہ جانتا ہے, جن کو حل جانتا ہے, اور جن کو حجر اسود جانتا ہے. تو نہیں جانتا تو تیرے نہ جاننے کی کوئی پرواہ نہیں. تو عزتیں اللہ کی طرف سے, عزتیں اللہ نے دین میں ایمان والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میں بغداد پہنچے, ایسا مجمع ان کے استقبال کے لیے نکلا سواریوں پر کہ گرد و غبار, اور پھر چھینک آئی اس پر الحمدللہ جو کہا مجمع نے, یرحمک اللہ جواب دیا تو اتنا شور کہ ہارون رشید کی بیوی گھر میں یہ آواز آئی, یہ کیا ہو گیا, کوئی بغاوت. تو تحقیق کے لیے آدمی بھیجے, حالانکہ ہارون رشید نیک دل آدمی ہے, ایک سال خود حج پہ جاتا ہے, ایک سال علماء کو اور ان کی اولادوں کو بھیجتا ہے, اور جہاد کے لیے مستقل کاروائیاں کر رہا ہے, کوششیں دین کی پھیلانے کی. لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی 6 مہینے حدیث کی خدمت میں اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے, اور ایسا خرچ کرنے والے کی دنیا کی ایسی بے رغبتی, کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہنچا کر آئے کہ مانگ کر لیا قلم اس کا پہنچانا ہے, امانت ہے میرے پاس. تو دین والی زندگی کی وجہ سے ایسی محبت, اب یہ چیزیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر آئی تو اتنا آواز اٹھی, تو کہا کوئی بغاوت تو نہیں ہو گئی. تحقیق کے لیے آدمی بھیجے تو پتہ چلا نہیں, یہ تو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. تو امیر خاوند سے کہنے لگی حکومت تمہاری ہے یا ان کی ہے, دلوں پر جو حکومت اللہ نے عطا کر رکھی ہے وہ ان کو عطا کر رکھی ہے. تو اللہ نے عزتیں دین کے اندر رکھی ہیں, باقی سراسر ایک دھوکہ ہی دھوکہ, اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں اور قوتوں کو ضائع کرنا, بلکہ اپنے خلاف استعمال کرنا. حقیقت جب کھلے گی اس وقت کوئی فائدہ نہیں. اب یہی دعوے کرنے والے کہ جو اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ملک مصر اور یہ نیرے اور یہ فوجیں اور یہ کنگن, اب جب پکڑ کا وقت آیا خود بھی ڈوبا اور پوری قوم کو کوئی ذرا برابر بھی اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں. فرما فما بکت علیہم السماء والارض, نہ آسمان رویا نہ زمین روئی ذرا برابر, ان لاکھوں کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن جس نے صحیح رخ پر محنت کی, جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا, اس مقصد پر اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اور استعدادیں لگائی ہیں, اللہ کے ہاں اتنی قیمت کی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, اسلام کا زمانہ تقریباً 5 سال کا ان کو ملا, اسلام لانے سے لے کے انتقال تک ایسی محنت کی, ایسی استعدادیں اپنے اوپر خرچ کی, ایسی اندر استعداد اور قوت پیدا ہو گئی. بنو قریظہ نے جو غداری کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے معاہدہ کیا ہوا تھا, اب باہر سے جو غزوہ احزاب میں کفار آئے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے, اب پھر حکم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو محاصرہ کرنے کا, 25 دن قلعے میں معصور رہے, اب فیصلے کے لیے ان کو چنا کہ سعد ابن معاذ پرانے ہمارے حلیف ہیں, پرانے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, یہ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں چاہیے, اس پر ہم تیار ہیں. اب ان کو بھی لوگ آ کر کہہ رہے ذرا خیال رکھنا, پرانے تعلقات ہیں ہمارے ان کے ساتھ, سن رہے ہیں ان کی باتیں. لیکن فیصلہ وہ کیا
कहा कि जो क्योंकि गद्दारी की है तो जो इनके लड़ाई के काबिल हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, बाकी माल गनीमत है इनका माल जो भी है और बाकियों को कैद कर दिया जाए। आपने फरमाया जिसका मफहूम यह है कि वो फैसला किया जो एक बादशाह का फैसला अल्लाह का फैसला है। अब उसकी वजह से फिर बाद में उनने दुआ की हुई थी, वो जख्म जारी हो गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक सीना से साथ लगा रहे हैं, आपके कपड़े खून से रंगीन हो रहे हैं, इसी हाल में उनका इंतकाल हुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आवाज़ अपने वालिद की अपने हुजरे में बैठकर साफ महसूस कर रही थी, सुन रही थी, ये मेरे वालिद की आवाज़ है और ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, उनकी वजह से रो रहे हैं, हालांकि वो अंसार में से और ये मुहाजरीन में से, लेकिन दीन पर मेहनत की, जो इस मेहनत से एक मकसूद है वो अंदर आ गए कि हर जज्बा अंदर से ख़त्म हो गया, सिर्फ एक ही जज्बा बाकी रहा, अल्लाह की माननी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर माननी। तो फिर रूह जब परवाज की, अल्लाह का हर्ष भी उनकी रूह के परवाज करने पर कांप उठा कि एक मेहनत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेहनत देकर गए इस उम्मत को और खुद भी और पूरी उम्मत को इसके ऊपर डाला और आगे रहनुमाई फरमा गए। खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ने ये मुबारक मेहनत इस उम्मत को नसीब फरमाई है। तो आज अल्लाह ने अपने फजल करम से उसी अंदाज से इज्तमाहीत के साथ, अमूमियत के साथ, नकल व हरकत के साथ, कि एक फ़र्द कोई नहीं कर सकता एक इज्तमाहीत और जमात के साथ, नकल व हरकत के साथ कहीं एक जगह बैठ कर नहीं हो सकती, पूरे आलम तक इस मेहनत को पहुँचाना है, जहाँ खुद पहुँच सकता है वहाँ तक आगे दूसरों तक। तो अल्लाह ने अपने फजल करम से इस जमाने में उस अंदाज की मेहनत नसीब फरमाई। अब ये कुव्वतें और इस्तेदादें और सलाहियतें इसी एतबार से इस उम्मत को दी गई हैं, अपने ऊपर भी मेहनत करना और पूरी इंसानियत पर मेहनत करना। तो उम्मत जब तक ये करती रही, पूरे आलम का निज़ाम एक उनके लिए मुसख़र रहा और वह तस्खीर आलम कोई मकसूद नहीं था, मकसूद इंसानियत की हिदायत थी, वो सामने है, अल्लाह ने सारी चीज़ों को ताबे कर दिया। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज भी वही मेहनत है, उसमें कोई फर्क नहीं आया, जैसे नमक क्यामत तक नमकीन रहेगा उसकी असर यही रहेगा, पर मीठी चीज वो मीठी रहेगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत में वही तासीर है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। आपको आखिरी आप अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, हाँ ये है कि उन सिफात के साथ हो जिन सिफात के साथ हुजूर अकरम मुबारक मेहनत को किया, उम्मती होने की हैसियत से इस मेहनत को करना, अल्लाह की जाने आली पर यकीन करके इंसानियत की खैरख्वाही के जज्बे से अपने सब कुछ इसको के ऊपर कुर्बान करके और रो रो कर अल्लाह पाक से इंसानियत के लिए इसको मांगना, तैयार है जी इसके लिए, अब इसी के लिए अल्लाह ने। लेकिन अब मोहल्लों के अंदर, मस्जिदों के अंदर कुरानंदाजी की गई, कितने आदमी जाए, वरना तो अब भी कह रहे कि हमारा दिल चाह रहा है, अल्लाह पाक ने यानी इंतखाब कर इंतखाब की सूरत में ये मौका दिया है, अब इस मौके को हम गनीमत समझ के अपने वक्त को ऐसा गुजार लें अल्लाह को पसंद आ जाए, ऐसा कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह पाक हिदायत के फैसले फरमा दें, आमाल के अंदर लगना और दूसरों को इसके ऊपर लगाना और दुआ के अंदर लगना, कोशिश फरमाएंगे जी इसकी, अब नमाज की तैयारी फरमाएंगे, बाकी इंशाअल्लाह तफसीली बात।